Don't underestimate the power Tonka Super. तो राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल सबके, कैसे हो सब। तो वापस से आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो पे। इस टाइम पर देखा है तो यार मैं इतना ज्यादा गेम नहीं खेलता, फिर भी मेरे पास यहाँ पर 14 टाइटल है इंडिया पे, नहीं तो भाई अपने एरिया पे तो है ना। कुछ भी बोल देता हूँ यार, मूड को थोड़ा हल्का करके ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यार कि मेरे पास बीआर के अंदर टोटल 14 टाइटल है और काफी सारे गन में है। यहाँ पे AWM पे है, UMP पे है, M14 पे है, SVD पे, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि CS ग्लोरी टाइटल मेरे पास है भाई अभी इस टाइम पे 12। एक बात बोलते हैं, मैं CS में टोटल 5 से 6 दिन तक रैंक पुश किया, तब जाके मेरे पास इतना सारा टाइटल है। और आप लोगों को तो CS मोड का एक डार्क सीक्रेट पता ही होगा कि भाई इस टाइम पे इतना ज्यादा हैकर आ रहा है कि CS मोड पर रैंक पुश करना इम्पॉसिबल सा हो गया है। तो चलो खैर, यहाँ पर हम CS मोड की बात छोड़ते हैं और अपने BR मोड की बात कर लेते हैं। तो इस टाइम पर यहाँ पर मेरा स्कोर देख सकते हो यार कि 8713 हो चुका है और मेरे को ग्रैंड मास्टर भी पकड़ना है। लेकिन यहाँ पर देखा है तो मेरे को ग्रैंड मास्टर जाने के लिए लगभग 6000 प्लस स्कोर करना पड़ेगा और आज का डेट है 12 अगस्त, यानी कि मेरे पास अभी 20 दिन ही बचे हैं ग्रैंड मास्टर लगाने के लिए। तो चलो यार ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं गेम प्ले की तरफ और दबा कर रैंक पुश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा बरूडा का मैप लग चुका है और इस टाइम पे मैं खेल रहा हूँ डुओ मैच और मैं हमेशा की तरह जाऊंगा गाड़ी ढूंढने के लिए, क्योंकि भाई मेरे को लॉन्चर चलाना है तो फर्स्ट मेरे को गाड़ी चाहिए और गाड़ी मिल गया तो उसके बाद मैं सीधा जाऊंगा ड्रॉप चार्ज करने के लिए जो कि इस साइड में, और ड्रॉप चार्ज करने के बाद भाई मेरे को लॉन्चर मिलेगा ना उसमें, क्योंकि यार अभी इस टाइम पे मैं लॉन्चर पे 6 नंबर पे चल रहा हूँ अपने स्टेट में। तो यार अपना और इंक्रीज करना है ना ग्लोरी। अब लॉन्चर मिलने के बाद मैं बंदों की तलाश में आता हूँ, तो एक बंदे यहाँ पे दिखाई देता, तो इस वाले बंदे को लॉन्चर मार के डाउन कर देता हूँ, उसके बाद एक के से यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ, उसका दूसरा टीममेट आ जाता है, उसके बाद इस वाले बंदे को भी मैं मारने का ट्राई करता हूँ लॉन्चर से, लेकिन भाई बंदा जो है ग्लूवल लगाता है तो बच जाता है। फिर मैं गाड़ी को रोटेशन करके इस साइड फिर आता हूँ तो देखता हूँ भाई ये बंदा यहीं पे दिखाई देता है और ये मेरे को स्प्रे करके सीधा हेड मारता है। उसके बाद मैं फिर से गाड़ी को रिटर्न करके आता हूँ तो ये बंदा मेरे तरफ रस करते रहता है, तो यहाँ पर बंदा पेड़ पे छुपता है तो उतर के सीधा इस पे देखना एकदम लॉन्चर मारूंगा और बंदा जो है डाउन हो जाएगा और यहाँ पर इसको मेरे को फिनिश करना है। तो भाई जाके सीधा क्रोनो लगाऊंगा, उसके बाद इसके टीममेट के सामने इसको फिनिश कर दूंगा और यहाँ पर देखो इसका टीममेट देख रहा है छुप के भाई। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब भाई इसकी टीममेट की तड़प हमसे नहीं देखी जाती, सीधा गाड़ी देके जाऊंगा उड़ा के, सीधा लॉन्चर से उड़ा दूंगा। यहाँ पर जो है मैं स्नैल हाउस चार्ज करने के लिए आया रहता हूँ, लेकिन सीमेंटेड के ऊपर से एक बंदा जो है मेरा गाड़ी फोड़ देता है और इस वाले बंदे को पहले तो मैं MP5 चला चला के डराऊंगा, उसके बाद सीधा बम डाल के उड़ाऊंगा। तो यहाँ पर बम डालते हैं, ये वाला बंदा भी बम डाल रहा है लेकिन दरवाजे के सामने डाल रहा है तो कोई फायदा नहीं, और यहाँ पर फटा। चलो FGL से 1, 2, 3 और यहाँ पर बंदा हो गया डाउन और जाके सीधा फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ पर लगभग हमारा स्नैल हाउस जो है चार्ज हो चुका है और इसमें मेरे को मिलने वाला है लॉन्चर, तो भाई मैंने लॉन्चर उठा लिया। उसके बाद मेरा टीममेट आता है तो बोलता है इसमें भी लॉन्चर है, तो मैं यहाँ से लॉन्चर एमओ उठा लेता हूँ, उसके बाद दोनों में गाड़ी रेस होता है, तो भाई मैं जीत गया गाड़ी रेस में और यहाँ पर सामने बंदा होता है तो उतर के सीधा भाई लॉन्चर से उड़ा देता हूँ, उसके बाद इसको फिनिश करता हूँ एकदम। अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ टंका सुपरमैन। थोड़ी देर यहीं पर रहकर कैंपिंग कर रहे थे लेकिन सामने बंदे दिखाई देते हैं फायर करते हुए, तो मैंने एक बंदे को खतरनाक डैमेज दिया लेकिन यहाँ पर दूसरा बंदा जो इस वाले बंदे को मार दिया, तो भाई मेरे से रहा नहीं गया, इस वाले बंदे को मैं FGL से डैमेज करके गुड पिकर चलाता हूँ लेकिन बंदा बच जाता है। तो मैं सोचता हूँ इस पे लॉन्च पैड लगा सीधा रश कर दिया जाए, लेकिन लॉन्च पैड मेरे को वहां तक नहीं ले जा पाता, तो सामने मोटर ट्रक था उसको पकड़ के मैं बंदों पे सीधा घुसने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पर एक बंदा जो है गाड़ी से आ चुका है, चलो एक बंदा ये उड़ गया और इसको उतर के मारेंगे, मैं सोच रहा हूँ इसको लॉन्चर से ही मारा जाए। तो यहाँ पर देख कोरोना की वेट लॉन्चर से डाउन हो चुका है, सामने से एक बंदा आ रहा है, चलो इसको भी डैमेज दिया हूँ, दूसरा मारेंगे और यहाँ पर बंदे का सोनी एक्टिवेट के साथ साथ फिनिश हो चुका है। सामने एक और बंदा था उसको भी सोनी एक्टिवेट कर दिया, एक ही बंदा बचा है। चलो फाइनली ये वाला बंदा भी यहाँ पर फिनिश हो चुका है। अब मोटर ट्रक से इस साइड पर आ रहा है तो एक बंदा सामने अपने गाड़ी से उतर के टोकन कलेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसको गाड़ी से उड़ाता हूँ और गाड़ी से उतरने के बाद सीधा इसको फिनिश कर देता हूँ। फिलहाल अभी यहाँ पर देखा है तो 4 बंदे हैं लाइव है, एक बंदा सामने तो इसको गाड़ी से उड़ाया, बंदा जो है डाउन हो चुका है और इस वाले बंदे को चलो फिनिश दे देते हैं। उसके बाद भाई इसका टीममेट आ चुका है, रे 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 चलो भाई कोरोना टीममेट करेक्टर ब्लॉक और बंदे को फिनिश कर दिया। अब देखा है तो यहाँ पर 2 ही बंदे अलाइव है, एक बंदा इस वाले घर में था तो मैंने इसके विजुअल से डैमेज करके सीधा रश करके इस वाले बंदे को भी फिनिश कर दिया।
लास्ट का बंदर डैन, इसको भी गोटी से मार के मैंने फिनिश कर दिया। और यहाँ पर हमारा ओपी तरीके से बुआ हो चुका है। और यहाँ पर देखा जाए तो भाई काफी तगड़ा प्लस देखने को मिला, और वेपन टाइटल के मामले में भाई पूरा 100-100 मिला। हमेशा की तरह इस वाले गेम में भी ड्रॉप चार चार देते, लेकिन सामने एक बंदा हम पे रश करता है तो इस वाले बंदे को डाउन करके मैं फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद ड्रॉप चार्ज करने पे मेरे को मिल जाता है लॉन्चर, और लॉन्चर पकड़ के मैं सीधा इस वाले बेंडिंग में आता हूँ, और बेंडिंग में हिटिस लगा के सीधा बंदे पे टूट पड़ता हूँ। और बंदा जो इस वाले घर में था तो भाई मैं एकदम ने अंधाधुन रश कर देता हूँ, और इस वाले बंदे को मैं लॉन्चर से मार के डाउन करता हूँ, तो मेरा टीममेट रश करके इसको फिनिश कर देता है, मेरा किल कंफर्म हो जाता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करता हूँ यार, कि जिसको भी मेरे साथ खेलना है डुओ में तो मेरे को रिक्वेस्ट डाल सकता है। मेरा यूआईडी इस प्रकार से है, यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पे। लेकिन इसका भी एक रिक्वायरमेंट है कि यार देखो मेरी बात सुनना पड़ेगा, मेरे को लॉन्चर ढूंढ के देना पड़ेगा और एक साथ खेलना पड़ेगा। अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हो और मेरे रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो तो बेझिझक मेरे को रिक्वेस्ट डाल सकते हो। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ यार कि देखो इस टाइम पे मैं सोलो खेल नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि यार मेरा डिवाइस जो है भटकता है और ऊपर से नेटवर्क इश्यू होता है, तो वो सोलो में आप समझ सकते हो ना कैसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होगा। और रही डुओ स्क्वाड की बात, यार आपका भले ही नेटवर्क इश्यू या डिवाइस लेग करे, एक बार मर गए तो आपको दोबारा रिवाइव होने का चांस रहता है। तो यार एक बार और बोल देता हूँ कि जिसको भी मेरे साथ खेलना है मेरा रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है, वो बेझिझक मेरे को रिक्वेस्ट डाल सकता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक बंदे को भी लॉन्चर्स नॉक कर दिया, एक बंदा जो है ग्लूवल पे छुपा है और मेरा टीममेट गाड़ी लेकर यहाँ पर चढ़ा दिया है, तो वो इसको लॉन्चर से मारेंगे। बंदा जो है डैमेज तो हुआ है लेकिन उतना ज्यादा खास नहीं, और यहाँ पे एक लॉन्चर मारा, लेकिन ये भाई एक बंदा जो मैं डाउन किया था रिवाइव हो गया यार। और यहाँ पर दिखाए तो दोनों बंदे घर के अंदर चले गए हैं, लेकिन ये मेरे से बचने वाले नहीं है, मेरे पास लॉन्चर है और मैंने दो लॉन्चर का गोली मारा, वो बंदे जो है फिनिश हो चुके हैं, लास्ट जोन हो चुका है। तो यहाँ पर एक मोस्टर ट्रक मंगा लेते हैं, लेकिन सामने के साइड बंदे और मैं टीममेट रश करके भाई एक बंदे को हेडशॉट मार के नॉक कर दिया। अब एक ही बंदा बचा है तो इस पे सीधा रश करके इसको ट्रोगन से भर के मैंने फिनिश कर दिया। अब लास्ट जोन पे हम मोस्टर ट्रक लेके इधर उधर भटक रहे, तो एक बंदा सामने दिखाई देता है, इस वाले बंदे को गाड़ी से उड़ा के हम फिनिश कर देते हैं। अब दो बंदे ऊपर साइड से हमको बहुत तगड़ा स्प्रे कर रहे थे, हमको भी डैमेज कर रहा था, गाड़ी को फोड़ दे रहे थे, तो भाई इन पे हम सीधा घुसते हैं और एक बंदे को गाड़ी से उड़ाते हैं। उसके बाद गाड़ी से उतर के मैं सीधा रश कर देता हूँ, बंदा जो यहाँ पर काफी गंदा डैमेज हो चुका है, तो मैं क्रोनो एक्टिवेट करके इस वाले बंदे को मारने ट्राई करता हूँ, लेकिन ग्लूबल लगा देता है और बंदा इस साइड पे आता है, तो इसको ट्रोगोन से भर के मैं फिनिश करता हूँ, और इसी के साथ साथ भाई हमारा बुआ हो जाता है। अब इस वाले गेम की प्लस की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारा 37 का प्लस देखने को मिला है, और वेपन ग्लोरी टाइटल की बात करें तो यार पूरा 100 का प्लस देखने को मिला है। इस वाले गेम में जो है मेरा टीममेट नॉक हो जाता है, क्योंकि भाई वो चार्ज कर रहा था अर्सनल हाउस और दो बंदे उस पर एकदम अंधाधुंध रश कर देते हैं, और उस वाले अर्सनल हाउस में था भाई लॉन्चर, तो चार्ज तो करना बनता है। तो यहाँ पर मेरे टीममेट को रिवाइव करने के बाद, उसको एकदम प्रॉपर लूट करवाने के बाद, भाई सीधा हम चलते हैं लॉन्चर उठाने के लिए गाड़ी निकाल के। लेकिन हम यहाँ से जैसे ही लॉन्चर लेने के लिए निकलते हैं, तो एक बंदा जो गाड़ी लेके हमारे साइड ही आ रहा था, तो इस वाले बंदे को तो मारना बनता है, और मेरे पास से भाई एकदम मशीन गन, तो बैठ के इसके गाड़ी को पहले फोड़ता हूँ, उसके बाद बंदे को फोड़ता हूँ। अब इस वाले बंदे को फोड़ने के बाद हम सीधा लॉन्चर के निकल जाते हैं, तो सामने मेरे को एक बंदा दिखाई देता है, और ये बंदा जो है हमको काफी तगड़े स्प्रे कर रहा था, लेकिन मैंने इसको गाड़ी से एकदम ओपी तरीके से उड़ाया, और यहाँ पर इस वाले बंदे को जो है नोक ले लेता हूँ, और इसके टीममेट जो है मेरे को काफी तगड़े डैमेज दे देता है। प्रोनो एक्टिवेट करने के साथ साथ मैं सीधा बंदे पे ग्लूवल डाल के रश करता हूँ, और यहाँ पर 99 IQ लगाने के बाद ट्रोगन का लॉन्चर मार के इसके टीममेट को पूरा फिनिश कर देते हैं करेक्टर ब्लॉकर के साथ। तो यहाँ पर मेरे टीममेट मेरे को जैसे कि बोला था लॉन्चर मिलेगा, तो सच में भाई यहाँ पर लॉन्चर मिल गया, और लॉन्चर मिलने के बाद बंदा भी तो चाहिए, एक बंदा सामने दिखाई देता है, इस वाले बंदे को गाड़ी से उड़ाने की ट्राई करता हूँ, नहीं उड़ता तो लॉन्चर से भाई उड़ा देता हूँ और देन फिनिश कर देता हूँ। अब भीमा शक्ति के साइड में हम मिट्टी लगाने के आ रहे थे, सामने हमको दो बंदे दिखाई देते हैं, एक बंदे इस वाले घर में था, तो मैंने इसको लॉन्चर से उड़ा के डाउन करता हूँ, उसके बाद मेरे टीममेट उसके टीममेट को मार के फिनिश कर देता है। फिर हम यहाँ से गाड़ी लेके निकलते रहते हैं, तो सामने से दो बंदे गाड़ी से आते हैं, और इनको भाई यहाँ पे मैं लॉन्चर से मार के दोनों को फिनिश कर देता हूँ। यार लॉन्चर ऐसा करने कि भाई सामने वाले बंदे को फायर करने का मौका ही नहीं मिलता है। अब यहाँ पर हम सर्कल की तरफ जाहिर होते, सामने ड्रॉप पे एक बंदा दिखाई देता है, इस वाले बंदे को एमपी से बॉडी टू हेड मारता हूँ, लेकिन ये बंदा जो हमारा गाड़ी देखकर निकलने का ट्राई करता है और एकदम पिछला घेर लगाता है, लेकिन भाई इसको मैं यहाँ पर डाउन कर देता हूँ मशीन गन से, देन फिनिश कर देता हूँ। और ये वही बंदा होता है जिसको मैंने एक बार लॉन्चर से मारा था। अब हम लोग यहाँ पर सर्कल का एकदम सेंटर पकड़ते हैं, तो एक बंदा मेरे को इस साइड में दिखाई देता, तो इस वाले बंदे को मैं मशीन गन से बॉडी मार के डाउन तो कर देता हूँ, लेकिन फिनिश नहीं हो रहा था, तो मैं सोचा सीधा इस वाले बंदे पे रश ही किया जाए, तो यहाँ पर रिपेयर किट करता हूँ, उसके बाद सीधा ऊपर की तरफ जा ही रहता हूँ, तो पीछे एक बंदा मेरे को दिखाई देता है,
अब इसको यहाँ पर मारता हूँ तो वो वाला बंदा भी मर जाता है जिसको मैंने ऊपर के साइड में नॉक किया था, मतलब दोनों एक ही टीममेट के थे। अब यहाँ पर देखा है तो सामने नीचे के साइड बंदे थे, तो मैंने एक बंदे को नॉक किया, उसके बाद इसको फिनिश कर दिया। और एक बंदा वहीं पे, तो मैं इसका गूगल तोड़ के इस वाले बंदे को फिनिश करूँगा। चलो इस वाले बंदे को भी यहाँ पर मैंने फाइनली फिनिश कर दिया और मेरे टीममेट लास्ट बंदे को मार के फिनिश किया। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारा ओपी तरीके से भूया हो चुका है। तो यार अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कर देना। और यहाँ पर देखा है तो मेरे को 39 का प्लस और फुल वेपन ग्लोरी देखने को मिला। तो चलो यार आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा तो दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, राधे राधे।